गूगल ने एक बड़े केस में केस करने वालों से समझौता कर लिया है, लेकिन ये मामला ऐसा है कि सिर्फ केस करने वाले ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जो करोड़ों गूगल को यूज करने वाले लोग हैं उन पर ये असर डालता रहा है, चाहे उन्हें पता हो या ना पता हो, और आगे भी समझौते का असर उनके ऊपर पड़ेगा। तो ये केस क्या है? फर्ज करें कि आप गूगल पर कुछ ढूंढ रहे हो और आपने सेटिंग ये लगा रखा हो कि ये जो सर्च है वो प्राइवेट है, लेकिन उसके बावजूद आपकी जो एक्टिविटी है वो गूगल ट्रैक कर रहा हो। असल में ऐसा ही हुआ है। ये केस यही था कि गूगल जो है वो चुपचाप बिना किसी के जाने जून 1, 2016 से जिन लोगों ने भी इनकॉग्निटो या प्राइवेट लगा रखा था ब्राउजिंग में उसको भी वो ट्रैक कर रहा था, और उसकी एक यूनिट है अल्फाबेट, वो इसे ट्रैक कर रही थी, और जिसने भी इसका इस्तेमाल किया है उसको वो सारा डेटा जो है वो ट्रैक कर रहा था। तो इसमें इन सभी लोगों के जो उन्होंने ढूंढा है, चाहे उनके दोस्त हों, चाहे उनकी आदतें हों, हॉबीज हों, या फिर पसंदीदा खाना हो, और वो चीजें जिनके बारे में वो पब्लिकली नहीं चाहेंगे कि कोई जाने, जो जिससे उनको शर्मिंदगी हो सकती है, ऐसे टॉपिक्स को भी जिन्होंने ढूंढा हो वो सब कुछ गूगल जो है वो ट्रैक कर रहा था लगातार। गूगल का इस्तेमाल करने वाले कुछ लोगों ने 2020 में इस मामले में गूगल के ऊपर केस कर दिया, कहा कि ये गैर कानूनी तरीके से करोड़ों यूजर्स की ये जानकारी जो है, ये ब्राउजिंग डेटा जो है वो ट्रैक कर रहा है, जिसकी इजाजत उसे नहीं दी गई है। इस केस को गूगल ने बेकार बताया, कहा कि इसमें कुछ भी नहीं है, इसको मानने को वो तैयार नहीं हुआ, लेकिन अब इसको लेकर वो समझौते पर राजी हो गया है। समझौता जो हुआ है उसकी एक कीमत जो लगाई जा रही है, हालांकि कोई भी पैसे नहीं दे रहा है लेकिन उस गूगल, लेकिन उसकी जो कीमत लगाई गई है वो 41 करोड़ रुपए से 65 करोड़ रुपए तक मानी जा रही है। समझौते के मुताबिक अब गूगल ये बताएगा कि उसने आखिर क्या क्या ट्रैक किया, हर व्यक्ति के बारे में नहीं बताएगा लेकिन ये बताएगा कि उसने क्या क्या ट्रैक किया। अब तक जो जानकारी 2016 से उसने इकट्ठा की है वो डिलीट करेगा, और जो लोग इनकॉग्निटो सर्च करते हैं, यानी बिना दिखाए कि वो कौन है ये सर्च करते हैं कुछ भी गूगल पर, उनको ये अधिकार होगा कि थर्ड पार्टी कुकीज वो 5 साल के लिए ब्लॉक कर सकते हैं। ये थर्ड पार्टी कुकीज वो है जिनके लिए अक्सर कई बार इजाजत मांगी जाती है कि क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हैं, एक तरह से एडवर्टाइजमेंट होता है जिसका हिस्सा गूगल को भी जाता है। तो ये थर्ड पार्टी जो कुकीज हैं वो 5 साल तक ये यूजर्स जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं। गूगल अभी भी कह रहा है कि ये बेकार है, लेकिन समझौते पर वो खुशी भी जता रहा है। ये भी कह रहा है कि जो जमा किया गया था वो टेक्निकल डाटा था और कुछ नहीं था, लेकिन अगर सिर्फ ये टेक्निकल डेटा था तो आखिर इसे गूगल किस पर्पस से क्यों जमा कर रहा था और क्यों समझौता करने पर इस मामले में राजी हो गया? निश्चित तौर पर ये एक निजता का कहीं ना कहीं हनन है, और उसके बाद अब जब ये मामला तय हो चुका है, समझौता हो चुका है, तो उम्मीद ये की जाती है कि लोगों की प्राइवेसी जैसी वो चाहते हैं उस तरह की बरकरार रहेगी। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।